हेलो, हाँ प्रणाम चाचा। हाँ तो हम ये पूछ रहे थे कि सत्या मेड एजेंसी से आप मेड हायर किए थे ना? हाँ, तो कितना दिन बाद छोड़कर चली गई? का अगले ही दिन चली गई? अरे बाप रे बाप, तो फिर आप उन लोग से बोले नहीं कि दूसरा मेड भेजो? अच्छा, आप मतलब बोले थे आप, तो उन लोग का बोला? अच्छा, उन लोग बोलता रहा कि भेज रहे हैं पर भेजा नहीं। आ कितना दिन तक चलता रहा इसे? 15 दिन। बाप रे बाप। आ कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह भी दिए थे आप? कितना रुपया? 60,000 रुपया। हम स्पाइडरमैन बोल रहे हैं, दीवार पर ऐसे चिपके चिपके सोच रहे थे कि क्या करें, बोर हो रहे थे तो सोचे कि आपको फोन करके टाइम पास कर लेते ना चाचा। कौन बोल रहे हैं? रखिए फोन चाचा, प्रणाम। जयहिंद, आपने बुलाया? जी करिश्मा सिंह, ये काम वाली बाई का जो फ्रॉड केस है, ये कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है और अब इन लोगों की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है, क्योंकि अब ये आम लोगों को छोड़कर पुलिस वालों को टारगेट करने लगे, वो भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, डीएसपी के लेवल के। डीएसपी मतलब अनु भैया? जी, आपके अनु भैया ने उस एजेंसी से काम वाली बाई बुलाई और सिक्योरिटी के डिपॉजिट 50,000 के साथ दोनों गायब। ये अनु भैया भी ना हमेशा गलत जगह फंस जाते हैं। हमेशा गलत जगह फंसते मतलब? नहीं, हमारा मतलब है कि यहाँ फंस गए ना। कहाँ? यहाँ ये मेड एजेंसी में फंस गए ना। अब देखिए ना, बहुत भोले हैं, बहुत सीधा स्वभाव है उनका, किसी के भी जज्बातों में आ जाते हैं वो, मतलब किसी के भी बातों में आ जाते हैं ना वो आसानी से। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपके अनु भैया अब जज्बातों में फंस ही चुके हैं और विक्टिम बन चुके हैं, तो उनसे एक बार जाकर मिल लेना चाहिए, हो सकता है उनसे और कोई इन्फॉर्मेशन मिले, कोई सुराग मिले। बहुत बढ़िया, ठीक है, हम यहीं हैं, आप हमें बता दीजिए कब जाना है, चल लेंगे। हाँ, जय हिंद। जय हिंद। करिश्मा सिंह जी, हमें आपसे और भी कुछ बात करनी है। हाँ कहिए ना। हम आपसे एडवाइस मांगना चाहते हैं एक सिलसिले में। हमसे? हाँ, बट बात बहुत पर्सनल है। बेझिझक कहिए, हम भी पर्सनल लेवल पे ही सुन रहे हैं। ओके, दरअसल बात ये है कि जी बताइए बताइए आप। अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है और वो ये बात उसे बताना चाहती है कि वो उसे पसंद करती है, तो कैसे बताए? मतलब इस तरह से कि लड़की को बताना भी ना पड़े और लड़के को बिना कहे दिल की बात समझ भी आ जाए, तो क्या करना चाहिए? करिश्मा सिंह? हाँ, वो ये सब आपको क्यों जानना है? अब आपसे क्या छुपाना करिश्मा सिंह, दरअसल हमें कोई पसंद आ गया है, बहुत समय बाद कोई पसंद आया है, कोई ऐसा लगा है जिसमें वो सारी खूबियां हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे आइडियल लाइफ पार्टनर में हो, और अब हम ये बात उसे बताना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या, इसलिए हम आपसे। करिश्मा सिंह जी, आप खुश नहीं हुई हमारी बात सुनकर? नहीं नहीं हुई? नहीं, हुए हुए, हम खुश हो गए, बहुत खुश हो गए, हम खुशी से हम पागल हो रहे हैं, हम फूले नहीं समा रहे हैं खुशी से कि आपको कोई पसंद आ गया है। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती ना मैडम सर। कौन कौन पसंद आया आपको? कौन है वो खुश नसीब जो आपको पसंद आ गया है? तजुर्बा कहता है हमारा कि बिना वजह जज्बात और बिना वक्त की बात दोनों का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए जब सही समय आएगा सबसे पहले हम आप ही को बताएंगे, लेकिन पहले कुछ क्लैरिटी तो हो, कुछ बात आगे तो बढ़े, इसलिए तो आपसे एडवाइस मांग रहे हैं। हाँ, हम सोचते हैं, हम आपको एडवाइस देते हैं। शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद। तो इसका मतलब ये है कि तुमको रिपोर्ट लिखवाना है ना? नहीं नहीं नहीं, हमें रिपोर्ट नहीं लिखवानी है, इसको रिपोर्ट लिखवानी है, ये शादीशुदा है ना। एक मिनट, रे रे रे, इस शादीशुदा का रिपोर्ट से का लेना देना है? वो ये बताएगा, हम तो सपोर्ट में हैं। बदनाम भाई बोलो। ओ चीता, दरअसल पड़ोसी भी भाग गई है और उसी की रिपोर्ट लिखवाने आया है, समझा क्या? कोई शक? ओए
एक सेकंड, पड़ोसी की बीवी भागी और आप यहाँ पे आए हो रिपोर्ट लिखाने? अरे मैडम, तुमको हमारे तकलीफ का अंदाजा नहीं है, वो चपड़गंजू रोज पार्टी कर रहा है। अच्छा, ये रिपोर्ट लिखवाना है तुम दोनों को? ये रिपोर्ट है? नहीं मैडम, ये इसका आइडिया था। हम लोग बाहर ऐसे खाली बैठे थे, कोई ग्राहक था नहीं, तो इसने बोला चलो थाने में टाइम पास करते हैं। हम तो थाने में टाइम पास करते हैं? आओ थोड़ा और टाइम पास करते, आओ उधर, उस तरफ मुंह करो। चलो आगे चलो, आगे चलो, चलो उधर। उस तरफ उड़ता तीर है, देखो जरा। कहाँ? देखो दोनों। अच्छी भाई, मैया की सासू मैया टाइम पास करोगे अब तुम? वो बकलौली कर रहे थे तो तुम भी बकलौली कर रहे थे। मैडम उसको तो बहुत मजा आ रहा था। हाँ, ना, तो हमको बुरा लग रहा था मैडम, हमको बुरा लग रहा था, हम मना कर। इन दोनों को क्या हुआ? जैन मैडम सर, नथिंग मैडम सर, नथिंग, कुछ भी नहीं। वो लोग बस यहाँ पर आकर बैठ गए थे और जिद कर रहे थे कि हम लोग को रॉकेट देखना है, रॉकेट देखना है। तो करिश्मा मैडम ने उन लोगों को लड़ाकू विमान दिखा दी, देख रहे हैं उन लोग। संतोष शर्मा, यस मैडम सर, मेड केस का कोई अपडेट? यस मैडम सर, इन्फॉर्मेशन निकाली और ये पता चला है कि दोनों एजेंसीज का वर्किंग पैटर्न बिल्कुल सेम है। पहली मेड को भगाने के बाद दूसरी मेड के लिए कंपनी से फोन आते रहते हैं और दूसरी मेड भेज रहे हैं ये बोल के दूसरी मेड भेजते ही नहीं है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, नया क्या है? हाँ, नई बात ये है मैडम सर कि कुछ लोगों को लगता है कि मैं जड़ बुद्धि हूँ, लेकिन वो ये मानते नहीं है कि मैं समझदार भी हूँ, इंटेलिजेंट भी हूँ। हूँ मैं। हैं आप? केस के बारे में कोई अपडेट? हाँ, केस के बारे में मेरी नजरों में ये आ रहा है मैडम सर कि दोनों एजेंसीज की जो बंद और खुलने की डेट है ना, वो थोड़ी वियर्ड है। जिस दिन आरती मेड एजेंसी बंद हुई, ठीक उसी दिन दूसरे जगह सत्य मेड एजेंसी जो है वो खुली। और इन केसेस के पिछले रिकॉर्ड्स भी यही बताते हैं कि एक दिन अगर एक कंपनी बंद होती है तो उसी दिन दूसरी जगह दूसरी एजेंसी खुलती है। एंड आई डोंट थिंक सो कि इतना कोइंसिडेंस पॉसिबल है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये दोनों एजेंसीज शामिल हैं और इनका बहुत बड़ा कारोबार है जो कभी बंद नहीं होता। चीता चतुर्वेदी, तुम्हारे सुझाए हुए प्लान पर काम करेंगे। उस एजेंसी से एक बाई हायर करेंगे, जब वो भाग जाएगी तो उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे और उसके थ्रू उस पूरे गैंग को भी पकड़ लेंगे। करिश्मा सिंह जी, अब पिछले दिनों कुछ परेशान थी, कह रही थी कि आपकी मेड छुट्टी पर जाने वाली है। हाँ, मलाइका ना? मलाइका, वो गई की है? जाने वाली है। जाने वाली है, परफेक्ट। का नहीं, नहीं केस के लिए परफेक्ट। अब आप उस एजेंसी को कॉन्टेक्ट करेंगी और एक काम वाली हायर करेंगी। हम करेंगे, क्षमा कीजिए हमें, हम ये काम नहीं कर सकते, असंभव, ये हो ही नहीं सकता है। आप एक काम कीजिए ना, आप कर लीजिए ना, मकसद तो केस सॉल्व करना है, आप करें हम करें, तो आप हायर कर लीजिए भाई, हमसे नहीं होगा ये। अगर हम कर सकते तो हम कर लेते, लेकिन हमारी बाई ऑलरेडी यहाँ पर है, काम कर रही है, और दूसरी वो हमारी अम्मी के जिगर का टुकड़ा है। हमने अगर ऐसा कुछ कहा तो अम्मी हमें घर से निकाल देंगी, पर उसे नहीं छोड़ेंगी। आप समझ नहीं रही हैं, नहीं होगा ये, मलाइका है वो, भौकाल मचा देगी पूरे घर में अगर उसको पता चला कि कोई नया मेड आ रहा है। अच्छा, जिसके भौकाल से पूरा शहर कांपता है वो एक मेड के भौकाल से डर रही? आप नहीं जानते हैं कि वो क्या है, आपके लिए सिर्फ एक मेड है लेकिन हमारे लिए पूरा ब्रह्मांड है वो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, आप किसी और से करवा लीजिए। करिश्मा सिंह, ये काम तो आपको ही करना होगा। नहीं, हम नहीं कर सकते। करिश्मा सिंह, दैट्स एन ऑर्डर। अरे आप समझ ही नहीं रही हैं। ए संतु, तुम्हारा लैपटॉप किधर है? यहीं पर मैंने। आप हमें थोड़ा समय दीजिए। तो ये है मलाइका सिंह, उम्र है 35 साल, लंबाई है 5'4", इनका रंग सफेद है, इनका वजन है 85 किलो। करिश्मा मैडम जी, आपने एकदम सही कहा था, ये तो पूरी ब्रह्मांड है। सॉरी, मेरा मतलब है ब्रह्मांड से थोड़ी ज्यादा है। अब सुनिए, मलाइका सिंह नाम है, बहुत ज्यादा मेहनती है, खाना लाजवाब बनाती है, घर का साफ सफाई बहुत बढ़िया करती है, और सबसे अहम बात, जरूरत से ज्यादा ईमानदार है। मलाइका हमें टाइम पे खाना देती है तो हम और पुष्पा जी टाइम पे यहाँ पे ड्यूटी पे आ सकते हैं। मलाइका टाइम पे पूरा काम करती है, जो लल्ला है वो भी टाइम पर अपने काम पर पहुँचते हैं और खुश रहते हैं तो अपना ध्यान ज़्यादा लगाते हैं, ध्यान ज़्यादा लगाते हैं तो उनका सैलरी बढ़ जाता है, और जब सैलरी बढ़ जाता है तो घर में बचत ज़्यादा हो जाती है। तो मलाइका सिर्फ घर का सुख शांति नहीं, इस घर में आने वाली कमाई का भी बहुत बड़ा योगदान है मलाइका का। अतिशोक्ति नहीं होगी अगर कहा जाए कि हमारा घर अगर चल रहा है तो वो सिर्फ मलाइका सिंह के कारण चल रहा है। अब ये तो था मलाइका का महत्व, अब मलाइका को गुस्सा किन किन बात पर आ सकता है।
मलाइका को गुस्सा आ सकता है अगर हमने उनके काम में कोई गलती निकाल दिया तो, मलाइका को गुस्सा आता है अगर किसी दूसरे मेड की एंट्री हमारे घर पे हो जाएगी तो, इसीलिए क्योंकि वो हमारे घर को अपना घर मानती है, हम सबको अपना परिवार मानती है। अगर मलाइका हम में से किसी को कुछ भी कह देना तो हम चुपचाप सुन लेते हैं, हमारा हिम्मत नहीं होता है कि पलट के हम उसको जवाब दे दें। अब अगर मलाइका घर में नहीं होगी तो खतरा क्या क्या हो सकता है चीते? पुष्पा जी को दिल का दौरा पड़ जाएगा, हम डिप्रेशन में आ जाएंगे, लल्ला का फ्यूचर एकदम गड्ढे के अंदर घुस जाएगा। अब भी आप चाहते हैं कि हम मलाइका की जगह दूसरा मेड लाए और ऐसा भौकाल मचा दे हमारे घर पर, बताइए। संतोष पानी। हाँ ये मासूम हरकत बिल्कुल भी नहीं है मैडम, ना करिश्मा सिंह। देखिए करिश्मा सिंह, पहली बात कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया आपने, दूसरी बात माफ कीजिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये काम आप ही को करना होगा। और हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी क्यों परेशान हो रही है, बात तो सिर्फ एक दिन की है ना, एजेंसी के पैटर्न के हिसाब से वो काम वाली सिर्फ एक दिन के लिए आएगी और अगले दिन भाग जाएगी, तो इस एक दिन में वो कब आई कब चली गई मलाइका को कैसे पता चलेगा, वो तो गांव में होगी ना छुट्टी पर। नहीं नहीं हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं, बहुत बड़ा रिस्क है हमारी जिंदगी। सुनिए सुनिए सुनिए, काम डाउन। देखिए अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ ना तो हम दोनों हैं, मिलकर संभाल लेंगे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ ऊंच नीच हो गया तो आप इसका पूरा जिम्मेदारी लेती हैं? ठीक है हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो हम अकेले इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। अब ठीक है तो अब प्लान के हिसाब से सत्या मेड एजेंसी को कांटेक्ट करिए और एक काम वाली हायर करिए। इस घर में कमरे कितने हैं? 3 कमरा है। लोग? 3 है। एसी? है। केबल कनेक्शन है ना? हाँ है। रिश्तेदार तो ज्यादा आते जाते नहीं है ना? नहीं। देखिए परफ्यूम फ्लोर क्लीनर के बाद ही पोछा करूंगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अब सबसे जरूरी बात और बात है। हाँ तो है ना, बताइए बताइए बताइए। बाई कोई नहीं बोलेगा, नाम बता दिया है, नाम है शंदो। अगर हम थोड़ा लेट हो जाते हैं ना तो आप बार बार फोन मत कीजिएगा, हम कॉल बैक कर लेंगे। ठीक है। हाँ शनिवार मंगलवार और बृहस्पतिवार नॉनवेज नहीं बने। नहीं नहीं उसका प्रॉब्लम ही नहीं है कि क्या है, हमारी सासू माँ को पसंद नहीं है नॉनवेज। हमें भी पसंद नहीं है। ठीक है तो अब तुम एक काम करो, कि आप हमें आप कहिएगा, हमने बोल दिया है। क्या है कि तू तड़ाक तुम हमें पसंद नहीं है। हाँ सही है, हमको भी नहीं पसंद, आप बोलेंगे। आपको आज के बाद खाने में नमक थोड़ा ज्यादा रहेगा। काहे हमको हमको खाने में ना तेज नमक बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें पसंद है ना। ठीक है तो हो गया आपका फिलहाल। फिलहाल आप एक काम कीजिए ना, आप जाके कड़क चाय बना के लाइए हमारे लिए, रसोई उस तरफ है। उधर? जी उधर। हाँ भाई कुछ भी हो, जैसा तुमको कड़क चाय कहा था तुमने बिल्कुल वैसा ही कड़क चाय बनाया। तुमने आपने जैसा कहा था आपने बिल्कुल वैसा ही कड़क चाय बनाया है। क्योंकि हमें पसंद है ना, हम ऐसी ही चाय पीते हैं। नहीं कुछ भी कहो, आज के जमाना में आप जैसा काम वाली बाई मिले। हाँ आया आप जैसा ही कोई मिलना शनो रानी बहुत मुश्किल है। ये ठीक है तो आज से भी घर का मालकिन आप। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। नहीं 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 मलाइका मलाइका बात सुनो, ऐसा कुछ हमारे जाते ही आपने काम वाली रख ली। काम वाली बोल रही है तो फूल वाली बोलो। हमारा बात तो सुनो। अब सुनने सुनाने के लिए बचा ही क्या दीदी, हमारी गांव की ट्रेन अगर कैंसिल ना हुई होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी जगह यहाँ किसी और ने ले ली है। इतनी बार कहा है पुष्पा जी से ओवर एक्टिंग की क्लासेस मत लिया करो। नूडल्स भी बनने में 2 मिनट लगते हैं दीदी, आपने हमें 1 सेकंड में पराया कर दिया। नहीं
मलाइका मर गई, मलाइका जा रहे हैं हम ये घर और रिश्ते तोड़कर। नहीं नहीं, मलाइका मरवाओगी हमको। जा रहे हैं हम, इस जमाने हर जाए, हो सके तो भिजवा देना मेरा गद्दा और रजाई। गुड बाय दीदी। मलाइका अलविदा। नहीं, सामान सामान। सच में तुम्हारी बहुत याद आती है। अगर हमारा बस चले ना तो सब कुछ छोड़कर बस तुम्हारे साथ ही रहे हमेशा अनु। पर क्या करें, ड्यूटी है। चलिए फोन रखते हैं, हमें बहुत सारा काम। टेक केयर अनु, लव यू, बाय। क्या हुआ करिश्मा सिंह, आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई है? नहीं वो कर लीजिए, आप बात कर लीजिए। हमारी बात हो गई, कहिए। नहीं डीएसपी सर बुरा मान जाएंगे ना, आप कर लीजिए बात। डीएसपी सर? हाँ, अभी आप फोन पे कह रही थी ना टेक केयर अनु। नहीं नहीं, हमारी दोस्त है, उसका नाम है अनुराधा, हम उससे बात कर रहे थे। प्यार से हम उसे अनु कहते हैं। हम डीएसपी? ए चीते, कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? क्या हम है? काम कर लो थोड़ा। सोता रहता है। आप बताइए, आप इतनी परेशान क्यों हैं? हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि हमें जिस चीज का डर था वो हो चुका है मैडम सर। मलाइका का ट्रेन कैंसिल हो गया, वो घर आई, उसने एजेंसी वाली मेड को देखा और घर छोड़कर चली गई, काम छोड़कर चली गई। अब हम क्या करेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या जवाब देंगे पुष्पा जी के लल्ला को? उनको पता चलेगा ना मलाइका नहीं है तो सहम जाएंगे, उनको सदमा लग जाएगा। और पुष्पा जी वो तो आके ऐसा प्रलय मचाने वाली है ना, हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती है मलाइका के बिना और वो चली गई है। आप तो हमारे घर का पूरा सुख शांति ही लील गई है। माफ कीजिए, हमें अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह से वापस आ जाएगी और ये सब हो जाएगा, हमें बहुत अफसोस है। आपके अफसोस करने से हमारा समस्या का हल तो नहीं निकल जाएगा ना मैडम सर? करिश्मा सिंह रिलैक्स, हम मानते हैं कि हमारी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो गई। थोड़ी आपको? सी घर में ना भौकाल मच गया है, आप कह रही थोड़ी सी परेशानी, आपके चक्कर में ना हम केस के चक्कर में, केस के लिए कर रहे हैं आप ये सब, हमारे लिए कोई पर्सनल काम हैंडल नहीं कर रही है। आपके अनु भैया। जय हिंद सर। जय हिंद। हसीना जी, हम आपसे उस मेड एजेंसी केस के सिलसिले को लेकर कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं, क्या आप दोनों अभी हमारे दफ्तर आ सकती हैं? श्योर सर, 10-15 मिनट में हम दोनों पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। चलिए, सीनियर का बुलावा आया है, केस के सिलसिले में बात करनी है और उम्मीद करते हैं कि आपके और हमारे डिफरेंसेस उनके सामने शायद नहीं दिखाई देंगे। काहे नहीं दिखाई दे, उनको भी पता चलना चाहिए ना कि आपने हमारे साथ क्या किया है। अपने मेट को बचाने के चक्कर में आपने हमारे मेट का बलि चढ़ा दिया है, ऐसा गेम खेला है आपने हमारे साथ मैडम सर। तो एक बार फिर से आप दोनों के बीच विवाद छिड़ गया और इस बार मुद्दा है ये केस, फर्जी मेड एजेंसी। तो क्या हम जान सकते हैं कि इस विवाद की नौबत आई कैसे? जैसे कि आप जानते हैं आरती मेड एजेंसी का जो फ्रॉड चल रहा है, आप खुद भी इसके शिकार रह चुके हैं। सर एक बात पूछनी थी आपसे। पूछे ना। सर आप इतने शार्प, इंटेलिजेंट और मैच्योर पुलिस ऑफिसर हैं, आप कैसे इस फ्रॉड का शिकार हो गए? दरअसल ये हमारे साथ नहीं, हमारी माताजी के साथ हुआ है। क्योंकि उनकी तबीयत काफी नरम रहती है, उनका ख्याल रखने के लिए हम उनके साथ काफी समय बिताते हैं। अब हमारी माता जी को हमारी भी बहुत चिंता रहती है, इसलिए हमें बिना बताए उन्होंने इस फर्जी मेड एजेंसी से मेड हायर कर ले और परिणाम यही हुआ कि हम भी उस मेड एजेंसी के शिकारों की लिस्ट में शामिल हो गए। ये है वो न्यूज़पेपर जिससे हमारी माता जी को उस मेड एजेंसी का नंबर मिला था। हसीना जी, आप कुछ लेंगी? चाय, कॉफी, जूस? नो सर। यहाँ के रसगुल्ले बड़े मशहूर हैं, टेस्ट करना चाहेंगी? नो सर, थैंक यू। आप? जी हम चाय ले लेंगे। नहीं, हम वो नहीं कह रहे थे, आप कुछ कह रही थी, कंटिन्यू कीजिए।
अगर चाय पीनी है तो नहीं 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 पीना है. हाँ हम क्या कह रहे थे कि आरती मेड एजेंसी के बाद सत्या मेड एजेंसी जो खुला है तो हमने ये प्लान बनाया कि क्यों ना नकली क्लाइंट बनकर उनको कॉल किया जाए और उनसे एक मेड हायर किया जाए. जब मेड आएगी और भाग जाएगी तो उसका पीछा करके ये जो पूरा फांडा है इस रैकेट का वो फोड़ा जाए. अद्भुत. जाहिर सी बात है कि ये प्लान आपका ही होगा. जी सर. लाजवाब प्लान था हसीना जी. ब्रिलियंट. थैंक यू सर. ये लाजवाब और ब्रिलियंट प्लान के वजह से हमारा घर का सुख शांति जो है वो छिन गया है. आपको पता है मलाइका घर छोड़कर काम छोड़कर चली गई. क्या? जी. इसका मतलब आप पुष्पा जी और जीजा जी बेसहारा हो गए. ये तो बहुत बुरा हुआ करिश्मा सिंह. सर हमें भी इस बात का बहुत अफसोस है लेकिन उस वक्त और कोई ऑप्शन नहीं था. ऑप्शन था? ये खुद भी तो हायर कर सकती थी ना अपने घर के लिए. हमको काय फंसा दिए. हमारे घर पर ऑलरेडी एक मेड काम कर रही है उसे निकाल कर हम. देखिए हमें बिल्कुल पता नहीं था कि इनकी मलाइका जी की ट्रेन कैंसिल हो जाएंगी और वो वापस आ जाएंगी. इस सब में हमारा क्या कसूर? बिल्कुल सही. अनु भैया. सर. सर. अनु सर. नहीं पूरी तरह भी बिल्कुल सही नहीं है. लेकिन बेचारी करिश्मा सिंह इसका शिकार हो गई ना. वैसे करिश्मा सिंह की भी गलती नहीं है. वक्त ही खराब था जो मलाइका वापस लौट आई. समस्या जटिल है लेकिन इसका हल तो निकालना ही पड़ेगा. वैसे हमारे दिमाग में एक आइडिया है इस समस्या के निवारण का. आप दोनों कृपया करके यहाँ आ जाइए. आइए आइए. अब आप दोनों एक दूसरे से विपरीत यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में पीट करके खड़े हो जाइए. हसीना मलिक आप ये पकड़िए. करिश्मा सिंह जी आप इस कैंडल को पकड़िए. अब हम ये मानकर चलते हैं कि हसीना मलिक की कैंडल करिश्मा सिंह के हाथ में है और करिश्मा सिंह की कैंडल हसीना मलिक के हाथ में है. अब आप दोनों को बिना मुड़े बिना एक दूसरे की तरफ देखे अपनी अपनी कैंडल्स बुझानी है. ये कैसे हो सकता है सर? ये तो इम्पॉसिबल है. हाँ वो भी बिना मुड़े ये असंभव है. ये नहीं हो सकता अनु सर. कुछ भी असंभव नहीं है ऐसा करिश्मा सिंह. बस संभव की संभावना को देखने का दृष्टिकोण होना चाहिए. प्रयास तो कीजिए.